बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा की नाजी नीलम शतादी आपकी खिदमत में हाजिर है नई रेसिपी लेके। तो आज की मेरी रेसिपी है टिंडे, ठीक है। टिंडे गोश्त मटन का, ठीक है। हमें चाहिए आधा किलो गोश्त और हमें चाहिए आधा किलो टिंडे। आधा किलो से तकरीबन 3 पाव टिंडे हैं ये। और हमें चाहिए 3 टमाटर, 3 प्याज, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच सूखी मिर्च, पिसा धनिया, 2 1/2 चम्मच, 1 चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच हल्दी। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने 1 गिलास पानी लिया है, ठीक है। गिलास पानी लिया जग में डाला और देखें उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, चारों लहसुन अदरक टमाटर प्याज। तो इनको मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने मसाला चॉप किया, ग्राइंड किया, ठीक है। अब मैं जो धोया हुआ गोश्त है इसको उसमें डाल दूँगी और मेरे सूखे मसाले हैं ये डाल दूँगी। और अब इसको मैं चूल्हे पे रखी, इसमें मैंने मसाले डाल के आप देख सकते हैं मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया, ठीक है। आँच मैंने नीचे दरमियाने चला दी है और जैसे ही हमारा पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको क्या नाम है मसाला भुनेंगे। हमारे गोश्त का पानी खुश्क होता है तो मैं ये टिंडे को उतनी देर सब्जी को कटर से छील के काट लेती हूँ जी। अब हमारा पानी खुश्क हो चुका है, अब मैं क्या करूँगी, अंदाज़ से 1 प्याली ऑयल में डालूंगी। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे गोश्त की। तो तकरीबन ये 1 प्याली ही ऑयल अंदाज़ से मैंने डाल दिया। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं ज़ीरा, काली मिर्च, साबुत गरम मसाला थोड़ा सा डालूंगी और अब मैं इसकी चीज़ें इसको भूनूंगी। मैंने गोश्त की बनाई कर ली है, टिंडे धो के मैंने काट लिए, मैंने धो लिया तो मैंने अब इनके साथ इनको इसके साथ इसकी बनाई करूंगी 5 से 7 मिनट तक। और मैं अब इसमें डालूंगी लाल दादरी मिर्च और पीसा हुआ गरम मसाला मिक्स, ये भी 1/2 टीस्पून और ये भी, ठीक है। नाजी मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे अच्छे अच्छी रेसिपी, इजी रेसिपी दूँ जो बहुत मज़ेदार हो। और ये देसी टिंडे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं गोश्त में, ठीक है। अब इनकी जितनी अच्छी बनाई होगी इतना ही इनका जायका होगा, ठीक है। अब इन्हें 6 से 7 मिनट में भून लूँ, 7 से बल्कि 10 मिनट हो गए मुझे बनाई कर लिया मैंने। आप देखिए माशाल्लाह जी इंतजार आ गया। क्या करेंगे, 3 से 4 गिलास पानी डालेंगे इसमें, ठीक है। और ये हो गया हमारा 4 गिलास पानी। अब मैं इसको वेट लगा देती हूँ, मैंने इसको वेट लगा दिया। जैसे हमारी सीटी चलना शुरू होगी 15 से 20 मिनट तक चलने देंगे तो हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। ठीक, हमारी सीटी को चलते हुए अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं तो मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, रेसिपी हमारी रेडी हो जाएगी। नाज़रीन देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी प्यारी रेसिपी हमारी रेडी हुई है। तो अब मैं भी शॉर्ट कट बता देती हूँ आप लोगों को। ये नाज़रीन नीलम शहज़ादी की रेसिपी टिंडे गोश्त रेडी हो गई है। अगर आप लोगों को प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भेजिएगा। और नीलम शहज़ादी को तो हमें याद रखिएगा। तो ओके, खुदा हाफिज़।